सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सबका हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने आ की मात्रा के शब्दों का पठन किया था और आ की मात्रा में उच्चारण का महत्व समझा था। आज हम काला बादल आया को एक बार फिर से पढ़ेंगे। काला बादल आया, आसमान पर छाया, छम छम बादल बरसा, टप टप जल बरसा, सब ओर जल भर गया, मामा और नाना आए, राजा और राधा बाहर आए, तब नाव चलाई, नाव चलाकर राजा नाचा, सबका मन चहक उठा। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। आइए अभ्यास करें। बताइए और एक शब्द में उत्तर दीजिए। आसमान पर क्या छाया? क्या छाया था आसमान पर? काला बादल। काला बादल। नाव चलाकर कौन नाचा? राजा। दो, चित्र के सही नाम पर निशान लगाइए। ये कौन है? राजा। तो निशान लगाएंगे राजा पर। दूसरा, क्या है ये? तारा। तो त अ र अ तारा। अगला है छाता। ये क्या है? राजा नहीं, गाजर नहीं, छाता। अगला है गाजर नहीं, टमाटर। हम लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न तीन, रिक्त स्थान पर आ की मात्रा लगाइए। म अ त्र आ मात्रा, यहाँ पर लगाएंगे हम मात्रा आ की, ये तो ये बन जाएगा ब र स आ त बरसात। अगला यहाँ पे लगाएंगे आ की मात्रा तो ये बन गया अ न आ ज अनाज। नेक्स्ट है आ की मात्रा म आ ल माल। जब हमने यहाँ लगाए आ की मात्रा ये बन गया स अ म अ न।